दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में परिवहन विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। आइए सबसे पहले देखते हैं वो कहाँ वैकेंसी आया हुआ है। तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट बिहार के चले जाइएगा, CSBC वेबसाइट पर जाइएगा, तो ये बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे क्लिक कीजिए और इसे टाइप कर खोल भी सकते हैं अपने गूगल में, और इसे खोल कर देखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये कल ही नोटिफिकेशन आया, आज से फॉर्म डालने शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये बिहार पुलिस है, यहाँ पर यहाँ देखिए एक नया टैब बना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और जो नया टैब बना है सबका अलग अलग वैकेंसी आता है। याद रखिएगा, सबका अलग अलग वैकेंसी आता है। अभी आपको फायरमैन का वैकेंसी आना बाकी है, फायरमैन ने अच्छा खासा पोस्ट खाली है, तो इसका भी वैकेंसी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। मैंने सोचा कल ही वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कल रात हो चुका था, तो इसलिए आज ही वीडियो बनाने उचित समझा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 28/10/2019 का आया हुआ है, और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं नीचे वाला, ये आपका नोटिस है, ये 4/2019 वाला नोटिस है, क्लिक कीजिए, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर फिर खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए ये खुल कर आ गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती किसमें, तो परिवहन विभाग के अंतर्गत चलन दस्ता पुलिस है, जो चलने वाला पुलिस है, चलन दस्ता पुलिस 496 रिक्त पदों पर पुरुष और महिलाओं के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन, जो अंतिम तिथि है या 29/11 है, इसकी 29 नवंबर तक ऑनलाइन तिथि है, और ये विज्ञापन संख्या 4/2019 है। इससे पहले भी कुछ ड्राइवर के पोस्ट आए थे, वो भी मैंने आपको बताया था, जो कि 3/2019 है। उससे पहले 2/2019 का 4 तारीख तक डेट है फॉर्म भरने का, जो बिहार पुलिस है, और उससे पहले 1/2019 में फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आया था। तो ऐसे वैकेंसी आते हैं, सबका वेतनमान है सेम ही है, वेतनमान सबका सेम ही है। देखिए 496 पोस्ट है, लोग बोलेंगे कि बहुत कम पोस्ट है, नहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग में बहुत दिन बाद वैकेंसी आया है, और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर इस पर आप चले जाते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा खासा आपका, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर आइए कि देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें दो चीज़ चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, एक शैक्षणिक योग्यता आपको 10+2 चाहिए, और दूसरे में जो लोग जिन लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है इसमें जाने का। क्योंकि इसमें देखिए, मात्र वैसे पुरुष और महिला उम्मीदवार जिनके पास विज्ञापन की तिथि या इसके पूर्व, आज विज्ञापन हुआ है ना, हम इसकी अब 28 तारीख को, पिछले दिन आपको एक दिन पहले 28 तारीख को, उस दिन तक आपको एक लाइसेंस चाहिए ड्राइवरी, 2 पहिया 4 पहिया हल्का मोटर वाहन LMV जिसे बोला जाता है, भारी मोटर वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुमति होगी, इससे तो विज्ञापन कर सकते हैं। आपके पास कल तक, मीन्स के 28 तक, एक दिन पहले, आज 29 हो गया, कल तक आपको एक ड्राइवरी लाइसेंस जरूर होना चाहिए था, जो कि 2 पहिया 4 पहिया वाला या हैवी आपको जो वाहन है चलाने वाला, या आपको हल्का वाहन चलाने के लिए, ये सब लाइसेंस रहना चाहिए। तो 10+2 और आपको लाइसेंस, ये दो चीज़ चाहिए, बाकी सेम वही चीज़ है जो आपका कट ऑफ वाला डेट है। यहाँ पर देख सकते हैं उम्र का, ये 1 अगस्त है, बाकी वो सभी चीज़ वही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उम्र है ये 25 वर्ष है जनरल के लिए, जनरल के महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए, और पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए ये 27 वर्ष दिया हुआ है, और पिछड़े वर्ग और अत्यंत महिलाओं के लिए जो है ये 28 वर्ष दिया है अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 18-30 वर्ष दिया है, और गृह रक्षक से भरी जाने वाले रिक्तियों के लिए सभी कोटि के बिहार प्रशिक्षित बिहार में नामांकित गृह रक्षकों की निर्धारित विहित अधिकतम 500 की छूट दिया गया है, जो होम गार्ड है उनके लिए, ये सब है। बाकी आप देख सकते हैं कि सब वही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइट है वो सब बिहार पुलिस वाला ही है, ये देखिए, ये तो सब टोटल वही है, सीना फुलाना दौड़ बिहार पुलिस वाला ही है, और जो यहाँ पर भी वैसे ही एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये सब वही है। जो भी आपका सिलेबस लिखित अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा, और जो भी आपका मेगा सूची बनेगा वो शारीरिक परीक्षा पर बनेगा, और रिक्ति की 5 गुना लिया जाएगा आपको, तो रिक्ति की 5 गुना आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर दौड़ के लिए जो अंक निर्धारित किया गया है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि दौड़ के लिए तो शारीरिक दक्षता हेतु कुल 100 अंक दिए हैं, जिसमें दौड़ अधिकतम 50 अंक है, और जो अलग अलग टाइमिंग है, मीन्स कि मैक्सिमम लड़का सब 6 मिनट ले सकता है, उससे ज़्यादा लेने पर छट जाएगा दौड़ में, और महिलाओं में मैक्सिमम 5 मिनट आप ले सकती हैं। तो ये अलग अलग जो भी है, गोला फेंकना है, हाई जंप है, तो ये भी है, ये सब मैंने बिहार पुलिस में बताया हुआ है, तो वो सब सभी वही है, बस इसमें 2 ही चीज़ बदलाव किया गया है, मीन्स एक चीज़ बदलाव किया गया कि आपका ड्राइवरी लाइसेंस मांगा गया है। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, आराम से डालिएगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ भी लीजिएगा। देखिए समान वर्ग के जो अनारक्षित हैं, इनके 197 पोस्ट हैं, ठीक, और आर्थिक रूप से कमजोर जो 10% वीक जो EWS वाला है, उसमें आपको 49 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में आपको 79 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे EPEBC बोला जाता है 89 है, और पिछड़ा वर्ग में 59 है।
तो ये आपके पोस्टों की संख्या है, कुल जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो 3% आरक्षण अलग से रहता है वो 15% है सीट, तो 493 और 3 बैकलॉग जो लग गया वो 496 है, तो 496 है। यहाँ पर गृह रक्षकों के लिए 50% सीट के लिए ये आरक्षण भी मिलता है, जो अगर नहीं मिल पाते हैं तो दूसरे से भरा जाएगा, और महिलाओं के लिए भी 3% अलग से और 3% जैसे 3% आरक्षण रखते हुए शेष में 97% में 35% आरक्षण चाहिए। मीन्स कि आपका 100% ये आरक्षण वाला मैं बता देता हूँ, 100% सीट है इसमें से जो 3% सीट है ये आपको अछूट रखते हुए पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% मान लीजिए, इसमें से 3 सीट आपका महिलाओं को हो गया 100 में से, ठीक। अब इसमें से 97% सीट बचा, इसमें से 35% सीट ओवरऑल महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाता है, ये भी 3% महिलाओं के लिए ही है और ये भी 35, तो ये 38-40% लगभग हो जाते हैं महिलाओं का, ध्यान में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो। यहाँ पर है सारे, आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का जो, तो मेन इसमें जो है आपको जो आपका ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए कल तक चाहिए, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी भी महिलाओं के पास ड्राइवरी लाइसेंस बना हुआ है तो ये फॉर्म जरूर डालिए, बहुत ही आसान है ये एग्ज़ाम निकालना अगर ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास है तो महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष में तो बहुत से लोग ड्राइवरी लाइसेंस बना कर रखे हुए हैं। कल मैंने पता किया बहुत महिलाओं से, लड़कियों से पता किया, लेकिन किसी के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं था, बहुत कम लोगों के पास मिला, 100 में 1 लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस मिला, तो समझ लीजिए कि 1% भी लड़की के पास आपको ड्राइवरी लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर जिसके पास मिलेगा वो फॉर्म डालेगी और उनका सीट इसमें से भी 35% और 3%, इतना सीट तो लड़की के लिए रिजर्व है, तो इतने कम से कम इतने सीट में तो वो फाइट कर सकती है, ये ले सकती है जॉब, और इतना भी बहुत कम लड़कियां बोलते हैं, बहुत कम लड़के के पास ड्राइवरी लाइसेंस है। और कल तक डेट है, ये नहीं है कि आप बनवा सकते, कल तक ही डेट था, उससे तक आपको चाहिए था। तो ये था वीडियो, अगर देखिए कोई भी मन में डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लगभग 500 के करीब वैकेंसी है, 5 गुना आपको फिजिकल के लिए देगा, मीन्स कि 2500 रिजल्ट देगा ये, और उसमें से आपको 500 निकालेगा। तो अलग अलग वैकेंसी आते रहेंगे, अभी फायरमैन का वैकेंसी आना है और भी 1-2 वैकेंसी आपकी आना बाकी है, तो देखिए वो 20 में आएगा लगभग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।